अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड व्लॉग विद अंजलि। गाइस, यहाँ पे बना रही हूँ अरबी की सब्जी और यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च लेके पहले पीस लिए हैं अच्छे से, और एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाला। कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, मैं ज़रा सा ही यूज़ करती हूँ ऑलवेज। कुकिंग में मेरी कोशिश रहती है मैं थोड़े से थोड़ा यूज़ करूँ। सॉरी, मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ करा था। तो इसमें अब मैं सारा ये भून लूँगी, उससे पहले मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। ये मेरा मसाला बॉक्स है, प्यारा सा, क्यूट सा। तो इसमें से मैं डाल रही हूँ, सबसे पहले इसमें जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी डाली थी। ये देखिए, पहले अजवाइन फिर जीरा, सॉरी। तो यहाँ पे जो अजवाइन, जो अरबी की सब्ज़ी मैं आपके सामने रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाइस, ये बहुत कम ऑयल में भी बन सकती है, चाहे तो आप इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर लीजिए, अपनी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पे अब मैंने डाल दिया है इसमें ये पेस्ट, और दूसरी तरफ मैंने ना कुकर पे अरबी को अच्छे से वॉश करके कुकर के अंदर बॉईल करने के लिए रख दिया है। कैसा बॉईल किया है वो भी आपको शो करके दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम बिल्कुल एकदम से गिलगिली नहीं कर देनी है कि भाई ज़्यादा प्रेशर नहीं देने है इसको, विसल इतनी ज़्यादा भी नहीं दे देनी है, इतना देना है कि हल्का सा मतलब पकना चाहिए। तो इसका छिलका उतार लेते हैं, जैसे दम आलू में चाहता है ना हमें हल्का सा, उसी तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे भुन रहे, बीच बीच में हम इसको भी मिक्स करते रहेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ किया, आप चाहें तो उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने छीलने के बाद इसको हल्का सा इस पर कलर आने जितना किया है, आप चाहें तो उसे डीप फ्राई की कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा अच्छा है। देखिए, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और जीरा पाउडर, ये सब मैंने लिया है, और इसके अंदर मसाला जो भून गया है इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसमें हम टमाटो प्यूरे बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। टमाटो इसमें नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसका फ्लेवर एक अलग ही टाइप का फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने डाला है पानी, और इसको ज़रा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फिर इसको पकाएंगे, और धीरे धीरे और पानी इसमें डलेगा, और क्या क्या डलेगा बताती चलूँगी। तो उस तरफ हमारी अरवी भी हमें संभालते रहना है। और ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है, आप चाहें तो अरवी को डीप फ्राई कर सकते हैं, आपको कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए बनाना है तो उसको डीप फ्राई कर लीजिए। अब मैं उसको आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि कैसा हमने उसको रखा है, काटने के बाद भी हमारी गिलगिली नहीं हुई थी बिल्कुल भी अरवी, और उसके बाद वो ग्रेवी में पकेंगी। अब ये देखिए, मैंने क्योंकि इसे हल्का सा ही ऑयल डाल के किया है तो ऐसा कलर आ रहा है, क्योंकि मैं कम ही ऑयल प्रेफर करती हूँ गाइस, मेरी कुकिंग हमेशा आपको कम ऑयल में ही दिखेगी। तो मैं देखिए इसको काट के दिखा रही हूँ इस तरीके का, आपको नाइफ से आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके का हमें रखना है, लाइक जैसे दम आलू में आप समझ ही गए होंगे हम रखते हैं आलू को इस तरीके का। तो अब मैं इसको कटिंग करके ग्रेवी के अंदर ऐड कर दूंगी, और फिर हम इसको ग्रेवी के साथ पकाएंगे, क्योंकि अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर्स जाने चाहिए हमारी अरबी के अंदर। हम पहले से गला लेंगे ना तो ये पूरा उसमें घुल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है, मेरी सारी थाली तैयार हो गई है अच्छे से। तो अब थाली को लगा के मैं दे आती हूँ आदि के पास, आदि को खाने के लिए मैंने साथ में हरी चटनी भी बनाई थी। और गाइस, मैंने जब पानी उसका पक गया था उसमें दूध और मलाई भी ऐड ऑन की थी अरबी की सब्जी में, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आदि को ना दम आलू बोल के सर्व कर दी थी, और इसने आराम से खा भी ली थी। तो अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मेरे मामा जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो उनका पता लेने के लिए जा रही थी। तो मैंने कहा चलिए फिर थोड़ा सा शूटिंग कर लेते हैं, और अच्छा किया मैंने, शूटिंग की वापसी में मौसम बहुत अच्छा हो गया था जिसको मैं शूट करके लाई हूँ। मेरे को मेरा कज़न भी मिल गया था अनुज, तो मैं और ये हमने कहा कैब नहीं करते, वापसी में हम आ रहे हैं, तो मैंने कहा ई रिक्शा से चलते हैं, इन वेदर को इंजॉय करते हुए। कूल कूल वेदर है, बारिश हो रही है, तो पहले ई रिक्शा से हम मेट्रो स्टेशन तक गए थे, फिर मेट्रो से आए थे बाय मेट्रो। मेट्रो स्टेशन पर भी मैं जो उसकी नेचुरल वॉल्यूम है उसको ही दिखाऊंगी आपको, ताकि आप भी बारिश की आवाज़ सुने। या अनुज बोल रहा है बट इतनी तेज आवाज़ आ रही है तो मेरे को म्यूट करना अपना। इधर दिखाओ ना क्या बना के लाया है। ओह वाओ,
ब्रेड का तो अच्छा स्नैक है, बाद में बनाया खुद से अपनी इन्वेंशन बात की चीज़ी खा ले वो अच्छा है। अरे अरे उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा जबरदस्त। यहाँ भैया आए हुए हैं। हेलो भैया। और भैया कहीं की कहाँ के भैया फेमस लेके आए हैं? विकासपुरी की फेमस अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा अच्छा वो लेके उसके पॉलीबैग पे लिखा होगा, मैं वो देख लूंगी। फेमस है। और ये देखो ये है कुलचा, ये जो चटनी ये सेम वही पैटर्न है जो अमृतसर में मिलता है ना, वही है सेम। चलो आप खाओ, आप लोग खाओ, मैं वो कर रही हूँ किचन में काम। गाड़ी उठा ली किसी की, ये बड़ा दुख होता है किसी गाड़ी उठा लो। इसके तो सारे ही अच्छे होते हैं। ये वाला ये अच्छा नहीं था, रेनबो वाला चाहिए। फिर कौन सा लें? है ना ब्लैक फॉरेस्ट लेते हैं। अच्छा और हाँ जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दो, जल्दी कर दो, मैं देख रही हूँ। यहाँ पे बोल बिल्डिंग करवा ली, अब लेने जा रहे हैं। हाँ वेडिंग करवानी है। ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, रेड कलर का क्यूट लग रहा है एकदम। हमने लिया है ब्लैक फॉरेस्ट केक, और ये जो है ना दूसरे थर्ड नंबर पे रेनबो केक, ये आदि के बर्थडे पे लिया था, बिल्कुल मज़ेदार नहीं था। हम इतने ट्रैफिक में से निकलते हुए आए हैं यहाँ पे। सो गाइज आप सोच रहे होंगे हम लोग केक लेने के लिए किस लिए आए हैं, आज है 10th और 12th क्लास का रिजल्ट, तो आधी 10th में तो उसका रिजल्ट आया। और आप सामने भी देख रहे होंगे बच्चे खड़े हुए हैं, सब लोग सेलिब्रेशन के लिए लेने आए हुए हैं। ये रहा हमारा केक जो हमने लिख पाया है उसके ऊपर वर्डिंग, और बस पैक करने के लिए दे दिया था। बहुत सारे लोग आए हुए थे आज के दिन केक वेक मिठाई वगैरह लेने के लिए, तो हमारा पैक हो गया है और हम चल दिए घर के लिए। ये सरप्राइज़ है, उसको पता चलेगा घर पहुँच। चलो इसे मैं पकड़ के बैठूं। मैं टारगेट आ गई हूं। घर पे पहुंच गए हैं। आदि खोलो। आ गया केक, इसे रख देते हैं यहाँ पे। आ जा आदि। ये तो ना लिया पीछे तूने। अभी स्टार्ट कर लो ये। जब ये भी बन जाएगा। हेलो जी। तो आज है आदि का रिजल्ट 10th का, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम केक लेके आए केक कटिंग करने के लिए। आ गया केक, ये लिखवाया हमने, देख इस पे वर्डिंग। तो ये बाउल रख दिए, पहले भगवान का निकाल दियो ठीक है। कैंडल्स लगाऊं? चलो चल आदि काट। Congratulation and celebration. Clapping करो भाई। Congratulation बोलो। Congratulation and celebration. ये भगवान जी के लिए ठीक है। Wish you भगवान के लिए थोड़ा ज्यादा दो।
डाल तो रहा हो। ये भगवान जी का, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप आदि, आगे और मेहनत करनी है और ट्वेल्थ में और भी अच्छी परसेंटेज लानी है, ठीक है। क्रीम क्रीम है और नीचे का भी है ना, दोनों चीजें। तो गाइज ऐसे हमने सेलिब्रेट किया था और आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।